दो सदस्यीय टीम डॉक्टर सुलभा स्वरूप और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय में आज दूसरे दिन असेसमेंट के लिए पहुंचे। दो सदस्यीय दल ने अस्पताल के पैथोलॉजी से निरीक्षण की शुरुआत की और कई वार्डों में जाकर एडमिट हुए महिलाओं से उनके इलाज संबंधित बातों की जानकारी ली और नर्सेस स्टाफ रूम में जाकर इलाज तक दौरान यूज होने वाले दवाओं और उनके वेस्टेज को कहा और किस डस्टबिन में डालना है इसकी भी जानकारी आदान प्रदान किया गया। और आए हुए टीम ने बताया कि अभी तक के निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी मिली हैं जिसको निर्देश दे दिया गया है। हैप्पी गर्ल्स एडल्ट व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। एनक्वास की टीम है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन की टीम है, ये राज्य स्तरीय असेसमेंट हो रहा है। इसके बाद से हम लोगों की रिपोर्ट के बाद से अगर ये अस्पताल 70% से ऊपर होता है तो फिर नेशनल असेसर आते हैं जो दूसरे प्रांतों से आएंगे और वो फिर अपना जजमेंट देंगे। 70% से उनके में भी ऊपर होकर और कई कंडीशनैलिटी होती है उसमें, कई पार्ट में होते हैं, क्लियर करने के बाद से ये अस्पताल एनक्वास सर्टिफाइड होगा। जैसे कि गोरखपुर मंडल में ही एक PSC डेरवा PSC अभी हाल में ही एनक्वास सर्टिफाइड हुई है, जो पहली PSC है। बाकी और अस्पताल तो हुए हैं, गोरखपुर मंडल में कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में अभी तक कोई एनक्वास नहीं सर्टिफाइड हुआ। क्या मानक मान के चला जाता है? हम लोग इसमें पूरे चेकलिस्ट होते हैं, करीब 4000 पॉइंट्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ये लोग 12 डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं, देखते हैं कितने डिपार्टमेंट ये लोग कर पाते हैं।